नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूँ वैष्णवी कतलकर आपके साथ, और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। भामरागढ़ के नक्सल प्रभावी कोठी स्थित एक आश्रम स्कूल में पुलिस की मदद से मात्र 8 दिनों में लाइब्रेरी तैयार की गई। 800 की आबादी वाले इस गांव में करीबन 200 किताबों की लाइब्रेरी बनाई गई है। पुलिस के इस अनोखे कार्य की वजह से उनकी काफी तारीफ की जा रही है। तिवरंग तल्ली पुल के निर्माण के लिए मारेगांव के नागरिकों ने नदी के किनारे आमरण अनशन किया। विदर्भ मराठा सीमा के पैनगंगा नदी पर बने इस पुल का निर्माण कई सालों से रुका हुआ है। इस बीच तिवरंग तल्ली पुल के निर्माण को तत्काल मंजूरी देने की मांग की जा रही है। यवतमाल जिले में कल 10 कोविड के नए मरीज पाए जाने से यवतमाल जिला कलेक्टर अमोल येडगे ने नागरिकों से कोविड के त्रिसूत्री नियमों का पालन करने की अपील की है। जिले में कल 10 नए कोविड के मरीजों का पता चलने के बाद अब जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पवित्र रमजान के महीने में रोजा रखकर हड़ताल करने वाले एक युवक की मारेगांव शहर में काफी चर्चा हो रही है। नवाज शरीफ कादिर शरीफ नामक युवक ने मोटर व्हीकल एक्ट को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर थाने के सामने एक अनोखा प्रदर्शन किया। कोरपना तहसील के परसोड़ा में कुछ दलालों द्वारा अवैध रूप से जमीन खरीदी के कारण किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच दलालों के दबाव से तंग आकर पीड़ित किसानों ने आखिरकार भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। फिलहाल सस्ते दामों में खरीदकर उची रकम में बेचने वाले दलालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वर्धा में मोबाइल फोन के जरिए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी है कि आरोपी ने चेन्नई के मैदान में चल रहे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ राइड्स क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाया था। सुनील सावरकर नामक इस आरोपी द्वारा ऑनलाइन सट्टे के जरिए लगभग 75 लाख रुपए कमाने की जानकारी है। वर्धा पुलिस ने नकली नोट लेकर घूमने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी नकली नोट वर्धा शहर में ला रहे थे। इस छापेमारी में करीबन 2 लाख रुपयों के नकली नोट बरामद किए गए हैं। यवतमाल जिले के इटाभट्टी इलाके में पुराने विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृत युवक का नाम देवांशु सावरकर, उम्र 19 वर्ष है। जानकारी मिली है कि आरोपी की युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने धारदार हथियार से देवांश की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यवतमाल जिले के वाघापुरी इलाके में प्रवीण बर्डे नामक शख्स की हत्या कर दी गई है। अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों को लेकर आरोपी रजनीश इंगले से हुए विवाद के चलते आरोपी ने जाल बिछाया था। इसी दौरान प्रवीण की हत्या कर दी गई। इस बीच आरोपी रजनीश इंगले को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रपुर की आराध्य देवी महाकाली माता की यात्रा जोरों शोरों से शुरू तो हो गई, लेकिन दूसरी तरफ मराठवाड़ा और अन्य जिलों से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान अब इस मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी महानगर की महिला अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता पटेल ने जल्द से जल्द श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देने की मांग की है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।